Good morning, my dear students. Today our next video classes is started. Class 5th GK, Unit 2, Lesson 1. Unit 2 Sports Word, Lesson 1 Water Sports. आज हमारा video started है Class 5th का GK, Unit 2 Sports Word में Lesson 1 Water Sports आज पढ़ता है हम. ओके, वाटर स्पोर्ट्स आर ग्रेट फन. वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा मज़ेदार खेल है. दे आर सम ऑफ द मोस्ट यूनिक एडवेंचरस एंड एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. ए दे आर सम ऑफ द मोस्ट यूनिक. ये क्या है, बहुत अच्छा पानी का खेल है. तो एडवेंचर साहसिकता में साहसिक करके एडवेंटेरियस साहसिक खेल होता है. ओके, ये जो बहुत अच्छा खेल होता है. ओके, ये जो आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा इसमें खेलना, आप लोगों को भी बहुत मज़ा हो जाता है पानी में खेलना तैरना, है ना. जो सर्दी का टाइम नहीं, एक्स्पेशली ये गर्मी का टाइम है तो हमको बहुत खेलने का मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आ जाता है पानी में खेलना है. ऐसे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके, दे आर एंजॉयबल फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड एज वेल एज द स्पेक्टेटर्स. एक खेल है जो पार्टिसिपेंट को भी नहीं है, जो देखने वालों को भी बहुत मज़ा आ जाता है. ऐसे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. वन फर्स्ट स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स है सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग. फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग है, फर्स्ट वाला सिंक्रोनाइज्ड है. उसमें देखो डी है. दिस वाटर स्पोर्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्विमिंग जिम्नास्टिक एंड ए डांस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए टीम और स्विमर्स इन टीम टू म्यूजिक. ये स्पोर्ट्स से इसमें जो खेलने वाला है, जो क्या है वो जिम्नास्टिक के अंदर डांस परफॉर्मर भी है इसमें जो पार्टिसिपेट्स है, वो क्या है उसको वो म्यूजिक चला के वो खेलता है. ओके, फर्स्ट क्या है, क्या है फर्स्ट वाला सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग. ओके, उसमें जो जिम्नास्टिक वाला डांस करने वाला भी उसमें तैरते हैं, वो स्पोर्ट्स में वो डांस म्यूजिक चला के वो कंपटीशन चलता है. नेक्स्ट कायाकिंग. नेक्स्ट क्या है, कायाकिंग. दिस स्पोर्ट्स रिक्वायर्स ए कायक फॉर मूविंग अक्रॉस द वाटर. ये स्पोर्ट्स होता है मूविंग अक्रॉस द वाटर, एक नाव में बैठ के एक पानी को क्रॉसिंग करना है. ओके, कायाकिंग. थर्ड स्कूबा डाइविंग. स्कूबा डाइविंग थर्ड क्या है, स्कूबा डाइविंग है. देखो द ड्राइवर यूजेस एन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग अपारेटस टू ब्रीथ अंडर द वाटर. ये स्क्यूबा डाइविंग करने वाला क्या पहनता है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग अपारेटस, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग उपकरण पहन के अंडर द वाटर. उसको क्यों पहनता है वो पानी का अंदर डाइविंग करके जाता है, इसलिए उसको क्या पहनना पड़ता है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग अपारेटस पहनना पड़ता है, उपकरण पहनना पड़ता है जो ब्रीथिंग के लिए. वो कहाँ डाइविंग करता है, पानी का अंदर, उसको हम कहता है स्कूबा डाइविंग. नेक्स्ट है विंड सर्फिंग. क्या है, विंड सर्फिंग. इट कंबीन्स द एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड सर्फेसिंग. ये क्या है, नौकायन एंड सर्फिंग. ए एलिमेंट्स, ए कंबाइन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेलिंग एंड सर्फिंग. इट रिक्वायर्स ए सर्फ बोर्ड विद द सेल फिक्स्ड टू इट. ए एक पाल में, है ना, एक सेल में, एक पाल में चल के खेलने वाला वो फिक्स करके रखा है. ओके, उसमें इसकी आवश्यकता होती है, एक सेल की आवश्यकता होती है उसमें खेलने का. सेल मतलब पाल, है ना, एक पाल की सर्फ बोर्ड एंड विद द सेल फिक्स इट. इसमें एक सर्फिंग एंड सेलिंग का आवश्यकता होता है, जो उसमें
वो फिक्स कर रखा है। जो देखो विंड सर्फिंग, आप लोग देखा है ना, एक सेल भी चाहिए उसमें, देखो है ना, और क्या चाहिए है, सेलिंग एंड सर्फिंग चाहिए। देखो ये फिक्स कर कर रखा है, सेलिंग इसमें फिक्स करके ये चलना है, ये विंड के अनुसार चलेगा, वो पानी में खेल, पानी का स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स है विंड सर्फिंग। ओके नेक्स्ट वाटर पोलो, नेक्स्ट है वाटर पोलो। द स्पोर्ट इज प्लेड इन द स्विमिंग पूल बाई ए टीम ऑफ सेवन, सेवन टीम होना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स में वो क्या बोलते हैं, ये स्विमिंग पूल में खेलता है, इसलिए उसको वाटर पोलो कहता है। टू टीम्स चाहिए टू स्कोर, गोल स्कोरिंग करना है, ये बॉल को थ्रो करके ओपोनेंट्स गोल लेना चाहिए, उसको ये खेल में जीत जाएगा। ओके नेक्स्ट है राफ्टिंग। देखो राफ्टिंग इट इज़ ए वाटर स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग और पैडलिंग डाउन ए रिवर ऑन एन इन्फ्लैटेबल रबर बोट्स, एक इन्फ्लैटेबल रबर बोट में ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर ए टीम ऑफ नेविगेट, नेविगेट में जो जॉब करने वाला जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है रिफ्लैटिंग रब बोट में चलता है वो, देयर वे डाउन इन द रिवर, पानी का अंदर, नदी का अंदर जाने वाला लोग है, ये खेल खेलता है, ग्रुप ऑफ लोग है राफ्टिंग। देखो ये पानी का अंदर मंदर चलता है, बहुत लोग एक साथ खेलने का। नेक्स्ट है स्नोर्कलिंग, क्या है स्नोर्कलिंग, देखो इट इज़ स्विमिंग ऑन द सरफेस और थ्रू द वाटर, पानी में घुस के उधर स्विमिंग करने वाला खेल है, वो वियरिंग है डाइविंग मास्क फिन्स एंड पाइप, वो क्या क्या पहन के चलता है, डाइविंग मास्क होना चाहिए इसमें, फिन्स एंड पाइप, पंग और पाइप इसके पास होना चाहिए। देखो स्नॉर्कलिंग स्पोर्ट्स। ओके नेक्स्ट है जेट स्कीइंग, क्या है जेट स्कीइंग, जेट स्कीइंग है, दिस वाटर स्पोर्ट इज सिमिलर टू पावर बोट रेसिंग, ये क्या है पावर बोट रेसिंग है, ये वाटर स्पोर्ट इज सिमिलर टू पावर बोट रेसिंग, इट इज़ द स्पोर्ट ए राइडर यूसेस ए जेट स्की टू द कॉम्बैट। ओके ये क्या है जेट स्कीइंग है, इसके पास क्या है एक सिमिलर टू जेट पावर बोट रेसिंग, पावर बोट रेसिंग की जैसे है ये, ठीक है, राइडर यूसेस है जेट स्की, इसलिए इसका नाम हो गया जेट स्कीइंग। ओके ओके यूआर फर्स्ट वीडियो इज कंप्लीटेड, आप लोगों को मैं इसमें जो देखो आप लोग इसमें जो वीडियो में जो चित्र है उसमें देखे, इसको बुक में कॉपी में नहीं लिखना है, आपको बुक में इसका मैचिंग करना है, आप लोगों को रीडिंग करना है और आप लोगों को ये याद भी करना है। ओके नोटबुक में नहीं करना है, बुक में ही करना है, मैं देखो बुक में मैं ये कर रखी है, आप लोग वीडियो में जो इसमें जो चित्र है उसमें देख लिया तो आपको पता चलेगा, आप लोग एक बार ये अच्छा से देख लेना, मैं आप लोगों को ये एक बार और दिख जाती हूँ, देखो दिखवाती हूँ, देखो ये मैंने मैचिंग कर रखा है 1 2 3 4 ऐसे, फर्स्ट पेज है सेकेंड पेज। ओके ये आप लोग बुक में इनका वर्क करना है। ओके थैंक यू।